बच्चों, ये है हमारा लेक्चर 191 और हम कर रहे हैं हमारा चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। वी वर डूइंग एक्सरसाइज 5.3 और हम अभी कर रहे हैं क्वेश्चन 12 जो कि है आपके एनसीईआरटी में पेज 113 पे। सो क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। अब देखो सम वाला क्वेश्चन है, सो एसएन का फॉर्मूला लगेगा। एसएन के बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, 3 फॉर्मूलाज हैं, कोई भी एक लगेगा। फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स एन 40 दिया हुआ है, पर अब यहाँ देखो डिविजिबल बाय 6, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होगा? सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होगा? सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देखो, देखो डिविजिबल बाय 6 है तो 6 की टेबल लगेगी, ठीक है। सो एपी क्या बनेगा? एपी इज 6, 12, 6 1 जा 6, 6 2 जा, 6 3 जा, 6 4 जा, 6 5 जा, 6 6 जा, 6 7 जा, 6 8 जा, इस तरह से। अब ये एंड कहाँ होगा? तो इसमें बहुत ही क्लियरली क्या बोला है कि भाई फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स, 40 इन शॉर्ट ये 6 40 जा 40 पे एंड होगा। आप समझ रहे हो? ये देखो 6 स्टार्ट कैसे हुआ था, फर्स्ट 6 1 जा 6 2 जा 6 3 जा, सो ये कहाँ एंड होगा? 6 40 पे एंड होगा। सो इट विल एंड एट, क्योंकि इसने क्लियरली 40 टर्म्स इसने लिमिट बोला है। सो 6 40, सो 6 40 जा इट इज 240, सो यहाँ होगा हमारा लास्ट टर्म 240, ठीक है। सो ये हमारा एपी बन गया। अब एपी मिल गया, अब कुछ है ही नहीं, अब सम में बहुत ही आसानी से वी आर गोइंग टू सॉल्व इट। सो एन है आपका 40, ए है आपका 6। मैं ऐसे ही सब निकाल लेती हूँ, ठीक है, हमें पता है एसएन। खैर एसएन वाली मैं वो वाले फॉर्मूला यूज करती हूँ जिसमें एसएन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एल, ठीक है, ये सबसे इजी वाली फॉर्मूला है, थर्ड नंबर फॉर्मूला। एसएन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एल, सो ए है 6 और एल क्या है 240, ठीक है। सो डायरेक्ट इस फॉर्मूला में मैं वैल्यूज डाल देती हूँ। सो एन इज 40 अपॉन टू ए इज 6 प्लस एल इज 240। सो कट शॉर्ट करेंगे इधर, सो 2 1 जा 2 20 जा, ठीक है। सो 20 6 प्लस 240 क्या होगा? 246, ठीक है। सो 246 2 जा करेंगे, 246 जा होता है 492 और 0 लगेगा, ठीक है। सो 4920 इज योर सम, ठीक है। सो दिस वॉज वेरी इजी 12th नंबर। क्वेश्चन 13 देखते हैं अभी हम फ्रॉम द सेम एक्सरसाइज। क्वेश्चन 13, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। सो फिर से एस एन वाला सम है एंड हमें कहा है फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। सो एपी क्या बनेगा? 8 का मल्टीपल, सो आपको 8 की टेबल पढ़नी है, सिंपल। सो आंसर, सो आपको 8 की टेबल पढ़नी है और 15 तक पढ़नी है, मतलब फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 है मतलब 15 तक पढ़नी है। सो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, डॉट डॉट डॉट। सो लास्ट टेबल है 8 15 जा, सो व्हाट इज 15 8 जा, सो 15 8 जा 120, ठीक है। सो 120 है। अब सिंपल है, एसएन निकालना है फिर से, और बहुत ही इजी है, पिछले सम की तरह ही है। सो दिस इज योर एपी इज एपी, ठीक है। सो अब देखें यहाँ पे ए है 8, एल है 120, तो हम क्या करेंगे, एन है 15। सो फर्स्ट 15 मल्टीपल्स है तो एन है आपका 15, ठीक है। सो फॉर्मूला लगाओ, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एल, एन है 15, एस 15, ए है 8, एल है 120, सो 15 अपॉन टू 128, सो 15 अपॉन टू 128 है। जस्ट कट शॉर्ट करें, 2 1 जा 2 6 जा 2 4 जा 64,
सो करें 15 को 64 से मल्टीप्लाई. सो 64 को जब हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे यू आर गोइंग टू गेट 960. ठीक है, आप लिटरली डू द मल्टीप्लीकेशन अच्छे से करें एंड देन यू विल गेट 960. ठीक है, सो दिस वॉज अवर क्वेश्चन नंबर 13, अनदर वेरी वेरी इजी क्वेश्चन. बच्चों अब देखो क्वेश्चन 14. फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50. ठीक है, ऑड नंबर्स का हमें सम फाइंड करना है 0 से 50 के बीच में. सो देखो बिटवीन है तो ना 0 इंक्लूड होगा ना 50 इंक्लूड होगा. ठीक है, सो ऑड नंबर्स एपी सेट करो पहले. सो यहाँ पे भी ऐसे नहीं निकालना है. सो ऑड नंबर्स का एपी सेट करते हैं. सो क्या बनेगा ऑड नंबर्स का एपी? सो देखो 1, 3, 5, 7, 9, 11. सो ऑड नंबर तो पता है ना 1, 3, 5, 7, जो इवन नहीं वो ऑड, और इसने क्लियरली बोला है 0 से 50 के बीच. सो 50 नहीं आएगा, ऑब्वियसली ऑड में 50 आता भी नहीं है और 50 हमें मतलब लिखना भी नहीं उसने बोला है. सो 50 से एक कम क्या होता है 49, तो 49 है ऑड नंबर. सो लास्ट नंबर हमारा 49 होगा. ठीक है, सो ऑड नंबर्स हैं ये सारे हमारे. ठीक है, तो हमारा सम फाइंड करना है, हमें क्या फाइंड करना है? सम. ठीक है, सो ए है आपका 1 और आपका लास्ट टर्म क्या है? 49. ठीक है, लास्ट टर्म है 49. ठीक है, सो फॉर्मूला लगाएं. अच्छा, फॉर्मूला के लिए अगर मैं एस एन वाला फॉर्मूला लगा रही हूँ, एन अपॉन 2a + l, कोई भी तीनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज करी हूँ, तो मुझे एन की जरूरत पड़ेगी. ठीक है, सो ये देखो यहां हमें एन फाइंड करना है. ठीक है, आपको क्या फाइंड करना है? एन. ठीक है, सो कैसे फाइंड करोगे? सो nth टर्म वाला देखो, दो फॉर्मूला से पूरा चैप्टर निकल गया आपका. ये इस चैप्टर का आप लास्ट सम कर रहे हो, मतलब इस एक्सरसाइज का लास्ट सम कर रहे हो. जो इसके बाद वाले सम्स हैं वो आपके सिलेबस में जो 2021 के जो आपका जो 2021 में जो पेपर आएगा उसमें वो नहीं है, 15 से नहीं है, वो सब कैंसिल करना है आपको. तो ये आप जो लास्ट सम, तो पूरा चैप्टर आपका an और sn में ही निकल गया. ठीक है, सो फिर से an वाली फॉर्मूला यूज करेंगे. सो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ठीक है, सो an क्या है? an मतलब ये लास्ट टर्म को an कहा जाता है. ठीक है, सो an भी बोलते हैं, l भी बोलते हैं. तो an इज इक्वल टू 49. सो 49 इज इक्वल टू a क्या है? 1 प्लस n आपको फाइंड करना है. अच्छा, d क्या है? d हमने फाइंड नहीं किया. सो d क्या है? a2 माइनस a1, सो 3 माइनस 1. सो d देख लेते हैं, d इज इक्वल टू 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2. ठीक है, सो 2. सो देयर फोर प्लस 1 इधर गया तो माइनस 1. 49 माइनस 1 इज इक्वल टू n माइनस 1 2. ठीक है, सो 49 में से 1 गए तो 48 बचे. ठीक है, सो 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो नीचे आके क्या करेंगे? डिवाइड. सो 48 अपॉन 2 इज इक्वल टू n माइनस 1. ठीक है, 2 1 जा, 2 2 जा, 2 4 जा. ठीक है, 24. सो माइनस 1 इधर गया तो प्लस 1. सो 24 प्लस 1 25. ठीक है, n इज इक्वल टू 25. ठीक है, सो n 25 है. अच्छा, अब हम क्या करेंगे? sn फाइंड करेंगे. ठीक है, सो sn कैसे आएगा? सो sn ठीक है, सो sn आपको फाइंड करना है. सो आपने n 25 किया, मतलब n की जगह आपको 25 रखना है. ठीक है, सो n की जगह हम रखेंगे 25. सो 25 और a क्या है आपका? a है आपका 1 और l क्या है? 49. ठीक है, 25 अपॉन टू 1 प्लस 49 क्या होगा? 50. सो 2 1 जा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10. ठीक है, सो 25 25 जा
625. सो एस 25 क्या होगा, सम ऑफ 25 टर्म्स 625. सो दिस वॉज द लास्ट सम ऑफ दिस एक्सरसाइज फॉर बोर्ड्स 2021. सो ये है आपके ये एक्सरसाइज 5.3 का 15th कैंसिल है, 16th कैंसिल है, 17th कैंसिल है, 18th कैंसिल है. ये सारे मतलब वर्ड प्रॉब्लम्स जो कि डेली लाइफ एक्टिविटीज रिलेटेड हैं, सो वो सारे कैंसिल किए हैं सीबीएसई ने. मतलब एसएन रिलेटेड है, 19 कैंसिल है, 20 कैंसिल है, ठीक है. सो एक्चुअली इस चैप्टर का ऑप्शनल भी अच्छा है, मतलब ऑप्शनल करने जैसा है, बट फिर इसमें भी एसएन वाले आ जाते हैं जो कि वर्ड प्रॉब्लम्स हैं लाइफ रिलेटेड. सो फिलहाल मतलब डेली लाइफ एक्टिविटीज रिलेटेड ऐसा कुछ होते हैं. सो आपको यहाँ एक्सरसाइज 5.4 का हम ऑप्शनल कर रहे हैं. सो मैं सिर्फ आपको फर्स्ट और सेकंड प्रैक्टिस करा रही हूँ, फिर थर्ड वाला फिर वैसा ही कुछ हो जाता है, ठीक है. सो फर्स्ट एंड सेकंड हम लोग प्रैक्टिस करके फाइनली दिस चैप्टर एंड्स देयर, ठीक है. सो वी आर डूइंग फर्स्ट एंड सेकंड नंबर ऑफ ऑप्शनल ऑल्सो. बच्चों अब हम करते हैं एक्सरसाइज 5.4 जो कि है आपकी एनसीईआरटी में पेज 115 ऑप्शनल है उसका फर्स्ट नंबर, ठीक है. विच टर्म ऑफ द एपी, सो विच टर्म मतलब एन की बात हो रही है, हमें एन फाइंड करना है. सो विच टर्म ऑफ द एपी, हाँ हमें एन ही फाइंड करना है. विच टर्म ऑफ द एपी 121, 117, 113 इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म. विच टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म. सो यहाँ देखो आपको एपी क्या दिया हुआ है, एपी दिया हुआ है 121, 117, 113 डॉट डॉट डॉट, ठीक है. सो ए क्या है आपका, ए होगा 121 और डी है आपका दिस माइनस दिस, ठीक है. सो 117 माइनस 121, ठीक है. सो प्लस माइनस माइनस, ठीक है. सो 121 माइनस 117, 11 में से 7 गए 4, ठीक है. माइनस 4, ठीक है. सो एन ए 121 है, डी ए है, ठीक है. सो हमें क्या फाइंड करना है, क्या बोल रहे हैं, विच टर्म इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म, पहला नेगेटिव टर्म है. सो पहले तो हम टर्म फाइंड कर लेते हैं. टर्म nth टर्म कैसे फाइंड किया जाता है, सो nth टर्म का फॉर्मूला है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है. सो ए क्या है आपका 121, एन आपको फाइंड करना है और डी क्या है आपका माइनस 4, ठीक है. सो 121 माइनस 4 को दोनों से ब्रैकेट ओपन करेंगे, इससे भी और इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है. माइनस 4 एन जा, सो माइनस 4 एन जा माइनस 1 माइनस 4, ठीक है. माइनस 4 को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 4 को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है. सो प्लस माइनस माइनस 4 एन जा 4 एन माइनस माइनस प्लस 1 4 जा 4, ठीक है. सो 121 प्लस 4 है 125 माइनस 4 एन, ठीक है. सो an इज इक्वल टू 125 माइनस 4n, ठीक है. अच्छा क्या बोल रहे हैं, इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म, ठीक है. सो पहला नेगेटिव टर्म है, सो फर्स्ट नेगेटिव टर्म. तो नेगेटिव का मतलब पता है क्या होता है, नेगेटिव का मतलब होता है लेस देन जीरो, ठीक है. नेगेटिव क्या होता है, लेस देन जीरो. पॉजिटिव क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो. और इक्वल होता है इक्वल टू, ठीक है. एन लेस देन जीरो, ठीक है. सो 125 माइनस 4n लेस देन जीरो, ठीक है. सो 125 माइनस 4n उधर गया तो प्लस 4n, सो जीरो प्लस 4n. सो 125 लेस देन जीरो प्लस 4n क्या होगा, 4n, ठीक है.
सो 4 मल्टीप्लाई में तो नीचे आके डिवाइड, सो n, ठीक है। ये वाली चीज आपको याद रखनी है क्योंकि इन्होंने इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म। जब इसने फर्स्ट नेगेटिव टर्म टर्म की बात की है तो जहां आपने टर्म फाइंड किया तो टर्म इज लेस देन जीरो, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है नेगेटिव टर्म, ठीक है। सो इसे आपको लेस देन जीरो ले लेना पड़ेगा, ठीक है। तो लेस देन जीरो लेंगे तो इस तरह से, ठीक है। अच्छा, अब इसको सॉल्व करते हैं हम। सो 4 की टेबल में 125, सो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 1 बचा, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, सो 31.25 इसका कट शॉर्ट किया। आप चाहो तो अलग से डिवाइड करके देख सकते हो। सो देयर फोर 31.25 लेस देन n, ठीक है। सो n ग्रेटर देन 31.25, सो देयर फोर n ग्रेटर देन 31.25, ठीक है। सो n जो है 31.25 से बड़ा है, सो एग्जैक्टली क्या होगा 30, देखो मुझे n फाइंड करना है और n कभी डेसिमल में नहीं होगा। आपने जब ये चैप्टर पूरा पढ़ चुके हो, अब n एक पॉजिटिव नंबर होता है, ठीक है। बोल रहा है n 31.25 से बड़ा है, सो 31.25 से बड़ा मतलब n क्या है 32 होगा, ठीक है। सो n इज इक्वल टू 32, ठीक है। अगर वो बोलता है छोटा है तो हम क्या लिखते हैं 31 लिखते भाई, 31.25 से छोटा तो 31, पर वो बोल रहा है बड़ा है तो n इज इक्वल टू 32। सो इसने जो क्वेश्चन पूछा है, क्या क्वेश्चन पूछा है कि भाई विच टर्म ऑफ द एपी 121 इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म, सो 32th टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, ठीक है। सो इसमें बस मतलब जैसा करके आया सब वैसा ही है, खाली ट्विस्ट यही है कि जब आप उसने नेगेटिव टर्म बोला है तो आपका एंथ टर्म को जीरो करके आपको एन फाइंड करना है, ठीक है। सो दिस वॉज योर ऑप्शनल फर्स्ट नंबर, ठीक है, फर्स्ट नंबर का जो ऑप्शनल है। सो दिस वॉज योर फर्स्ट नंबर, ठीक है। सो नाउ हम देखते हैं सेकेंड। बच्चों अब सेकेंड नंबर देखते हैं ऑप्शनल का ही। सो क्या है द सम ऑफ, सो ऑप्शनल का सेकेंड नंबर क्या बोल रहा है, द सम ऑफ थर्ड एंड द सेवेंथ टर्म्स ऑफ एन एपी 6। कह रहा है कि थर्ड और सेवेंथ टर्म किसी एपी का 6 है एंड द प्रोडक्ट इज 8, और उसका प्रोडक्ट 8 है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ द एपी। सो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द सम ऑफ थर्ड एंड सेवेंथ टर्म, तो सम का मतलब प्लस होता है, थर्ड मतलब ए 7, सेवेंथ मतलब सॉरी थर्ड बोल रहा है मतलब ए 3, ठीक है, ए 3, सेवेंथ मतलब ए 7, ठीक है। सो ए 3 ए 7 इज 6, सो ए 3 प्लस ए 7 6 है। सो एंड देयर प्रोडक्ट इज 8, देयर प्रोडक्ट इज 8 मतलब ए 3 मल्टीप्लाई ए 7 इज इक्वल टू 8, ठीक है। सो आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स, मतलब आपको एस 16 फाइंड करना है, ठीक है। सो ये सब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भाई सम ऑफ थर्ड एंड सेवन टर्म इज 6, देयर प्रोडक्ट थर्ड एंड सेवन टर्म इज 8, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो ए 3 प्लस ए 7 इज इक्वल टू 6, तो ए 3 क्या है ए प्लस 2d, सो देयर फोर ए प्लस 2d, ए 7 क्या होता है ए प्लस 6d इज इक्वल टू 6, ए 3 है ए प्लस 2d, ए 7 है ए प्लस 6d, ठीक है। सो देखो यहाँ पे ए प्लस ए, 1a प्लस 1a क्या होगा 2a, प्लस 2d प्लस 6d क्या होगा 8d, ठीक है। सो यहाँ देखो देखो मतलब ए 3 तो पता है ना, ए 3 क्या होता है ए प्लस 2d होता है, ए 7 क्या होता है ए प्लस 6d। अब ये तो पता चल गया है हम, मतलब क्योंकि इतना पूरा चैप्टर के एंड पे आ गए हैं,
ये ए थ्री इज इक्वल टू ए प्लस टू डी कैसे लिखा, तो हमें पता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, उससे लिखा। ठीक है, सो यहाँ देखो टू की टेबल कॉमन निकलेगी, सो टू ए प्लस टू फोर जा एट, फोर डी इज इक्वल टू सिक्स, सो देयर फोर ए प्लस फोर डी इज इक्वल टू सिक्स अपॉन टू, टू वन जा टू थ्री जा, सो देयर फोर ए प्लस फोर डी इज इक्वल टू थ्री। इसको फर्स्ट दे देते हैं। अब ये दूसरा वाला यूज करते हैं, ए थ्री मल्टीप्लाई ए सेवन इज इक्वल टू एट, क्योंकि ये क्वेश्चन में ही दिया है इन्होंने, ये सारी चीजें क्वेश्चन में दी है। देखो एंड देयर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, किसका मल्टीप्लाई, थर्ड और सेवन टर्म का इज एट। ठीक है, सो नाउ ए थ्री मल्टीप्लाई ए सेवन इज इक्वल टू एट, देयर फोर ए थ्री, ए थ्री क्या होगा, ए प्लस टू डी, ए सेवन क्या है, ए प्लस सिक्स डी इज इक्वल टू एट। ठीक है, सो यहाँ मैं एक छोटा सा आपको एक ट्विस्ट जैसा कुछ कर रही हूँ, अगर आप मेरी बात समझ पाओ। देखो यहाँ पे, यहाँ आपको पता है ए थ्री ए प्लस टू डी होता है, ये ए प्लस सिक्सटी एट, यहाँ देखो ए प्लस फोर डी थ्री दिया हुआ है, आप देखो ए प्लस फोर डी थ्री दिया हो रहा है और ये है ए प्लस सिक्सटी, तो मैं सिक्सटी को फोर प्लस टू लिख सकती हूँ, फोर प्लस टू लिख सकती हूँ, हाँ लिख सकती हूँ। सो देखो यहाँ पे ए प्लस टू डी, ये ट्विस्ट जैसा है, मतलब सम को छोटा करने के लिए। ठीक है, अब कहोगे मैम आपको कैसे सूझा, सो ये प्रैक्टिस से ही सूझता है। ठीक है, मैं प्रैक्टिस करती हूँ, मुझे सूझा, आपको भी सूझेगा, और मैं आपको हिंट दे रही हूँ, 60 को आप a प्लस फोर डी प्लस टू डी लिख सकते हो इज इक्वल टू एट। ठीक है, देखो मैं गलत तो नहीं हूँ, मैं 6 को 4 प्लस टू लिख सकती हूँ। ठीक है, सो देयर फोर ए प्लस टू डी, अच्छा अब यहाँ देखो ये a प्लस फोर डी की वैल्यू क्या है, 3, a प्लस फोर डी की वैल्यू है 3, कहाँ से आई a प्लस फोर डी की वैल्यू 3, सो ये रही a प्लस फोर डी की वैल्यू 3 कहाँ से आई, बाय 1, सो यहाँ मैं क्या लिख दूंगी, a प्लस फोर डी की जगह क्या लिख दूंगी, 3, सो 3 प्लस टू डी इज इक्वल टू 8। सो आप कहोगे मैम आपने ये ऐसे करके क्या कर लिया, पर एक टिक ही चीज तो मैंने करी। ठीक है, सो ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल a प्लस सिक्स को मैंने 4 प्लस टू करा, a प्लस फोर की जगह मैंने 3 लिख दिया, a प्लस फोर की जगह 3 लिख दिया, सो प्लस टू डी सेम टू सेम इज इक्वल टू 8, कहाँ से आया, बिकॉज 1। ठीक है, सो अब इसका क्या करें, तो इसमें भी कुछ नहीं कर सकते, सिंपली ब्रैकेट ओपन करो, मल्टीप्लाई करो। सो ब्रैकेट ओपन करना, आपने 8th स्टैंडर्ड में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर में सीखा था, ए थ्री जा थ्री ए, ए टू जा टू डी जा टू ए डी, थ्री टू जा सिक्स डी, टू टू जा फोर फोर डी स्क्वायर। ठीक है, ए थ्री जा थ्री ए, ए टू जा टू ए डी, टू थ्री जा सिक्स डी, टू टू जा फोर डी स्क्वायर इज इक्वल टू एट। ठीक है, सो अभी सो इस तरह से हमने सिंपल मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा अब क्या करेंगे, तो देखो हम फर्स्ट इक्वेशन ही एक हमारी जो है फर्स्ट इक्वेशन ये हमको सेव कर सकती है हर चीज़ से। देखो अब सब उलझा उलझा लग रहा है, थ्री ए टू ए डी सिक्स डी फोर डी स्क्वायर, अब आप ध्यान से देखो ए भी है डी में है, डी भी है, दो वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तो इसको एक वेरिएबल में कर देते हैं। एक वेरिएबल में कैसे करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में ए को सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बना दो एंड उसकी वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन देखो बहुत काम आई है, यहाँ पे भी फर्स्ट इक्वेशन का ही यूज़ किया हमने, फर्स्ट इक्वेशन एक और तरह से काम आएगी, सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड की तरह भी ये काम आएगी। कैसे, सो ए प्लस फोर डी इज इक्वल टू थ्री था, सो इम्प्लाइज ए अकेला बनाएंगे ए को, तो फोर डी उधर जाएगा, तो थ्री माइनस फोर डी। ठीक है, सो ये हो गया टू। ठीक है, सो थ्री माइनस फोर डी, प्लस फोर डी उससे उधर जाएगा, तो थ्री माइनस फोर डी, सो ए इज इक्वल टू थ्री माइनस फोर डी। सो यहाँ ए की जगह थ्री माइनस फोर डी डालेंगे और यहाँ पे भी ए की जगह थ्री माइनस फोर डी डालेंगे। ठीक है, सो थ्री ए की जगह थ्री माइनस फोर डी प्लस
टू ए की जगह थ्री माइनस फोर डी प्लस सिक्स टी प्लस फोर डी स्क्वायर इज इक्वल टू एट। ठीक है, सो देयर फोर थ्री थ्री जा नाइन माइनस थ्री फोर जा ट्वेल्व डी। ठीक है, फिर यहाँ देखो टू डी है, सो टू डी थ्री जा सिक्स डी टू डी फोर डी जा सो टू फोर जा एट डी स्क्वायर। ठीक है, थ्री थ्री जा नाइन थ्री फोर जा ट्वेल्व। ठीक है, सो टू डी थ्री जा सिक्स डी टू डी फोर डी जा एट डी स्क्वायर। ठीक है, प्लस सिक्स डी प्लस फोर डी स्क्वायर इज इक्वल टू एट। ठीक है, अच्छा अब यहाँ देखो सिक्स डी प्लस सिक्स डी माइनस ट्वेल्व डी, सो सिक्स प्लस सिक्स ट्वेल्व डी माइनस ट्वेल्व डी कैंसिल। ठीक है, सो नाइन माइनस एटी स्क्वायर प्लस फोर डी स्क्वायर इज इक्वल टू एट। ठीक है, सो देयर फोर यहाँ देखो क्या होगा, अब यहाँ देखो सिक्स प्लस सिक्स ट्वेल्व ट्वेल्व डी माइनस ट्वेल्व डी जीरो मतलब कैंसिल हो गया। अच्छा अब यहाँ देखो माइनस एट डी स्क्वायर प्लस फोर डी स्क्वायर, तो माइनस प्लस माइनस एट में से फोर गया फोर साइन माइनस की, सो माइनस फोर डी स्क्वायर। सो क्या बनेगी इक्वेशन, नाइन माइनस फोर डी स्क्वायर इज इक्वल टू एट। सो देयर फोर नाइन माइनस फोर डी स्क्वायर इज इक्वल टू एट। ठीक है, सो देयर फोर माइनस फोर डी स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस फोर डी स्क्वायर हो जाएगा और एट इधर आएगा तो माइनस एट। सो देयर फोर नाइन माइनस एट इज इक्वल टू फोर डी स्क्वायर। सो नाइन माइनस एट होगा वन और फोर डी स्क्वायर। सो देयर फोर फोर मल्टीप्लाई में तो नीचे आके डिवाइड, सो डी स्क्वायर इज इक्वल टू वन अपॉन फोर। ठीक है, सो स्क्वायर को अकेला बनाएंगे, सो डी इज इक्वल टू सामने जाके क्या हो जाएगा प्लस माइनस, स्क्वायर हटाओगे तो सामने जाके क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट, सो प्लस माइनस स्क्वायर रूट वन अपॉन फोर। देखो डी के लिए कुछ नहीं बोला गया, आप कहोगे मैम आप कैसे इसको प्लस माइनस लिख रहे हो, डी पॉजिटिव होता है, नहीं डी के लिए कुछ नहीं बोला गया, एन के लिए बोलते हैं। ठीक है, कि जो एन होता है नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं ये पॉजिटिव होते हैं, कॉमन डिफरेंस के लिए कुछ ऐसा स्पेसिफिक नहीं है। सो जब भी आप स्क्वायर हटाते तो सामने जाते तो हमेशा ऑलवेज प्लस माइनस स्क्वायर रूट लगता है। ठीक है, अगर यहाँ एन होता ना तो मैं माइनस को इग्नोर करती, पर यहाँ डी है मैं इसको इग्नोर नहीं कर सकती। सो देयर फोर डी इज इक्वल टू प्लस माइनस, तो स्क्वायर रूट है, सो स्क्वायर रूट ऑफ वन वन होता है, स्क्वायर रूट ऑफ फोर क्या होता है टू। ठीक है, सो डी इज इक्वल टू प्लस माइनस हाफ। ठीक है, सो अभी मैं ए की वैल्यू लिख देती हूँ। सो एक्चुअली डी की आपको दो वैल्यू मिली है। ठीक है, सो डी की हमें दो वैल्यू मिली है, एक वैल्यू मिली है d इज इक्वल टू हाफ और एक मिली है d इज इक्वल टू माइनस हाफ। ठीक है, सो अगर d इज इक्वल टू हाफ लेते हैं तो a इज इक्वल टू थ्री माइनस फोर डी, सो इज इक्वल टू थ्री माइनस फोर डी क्या होता है हाफ। ठीक है, सो इज इक्वल टू थ्री माइनस टू वन जा टू टू जा सो टू वन जा टू वन, तो d इज इक्वल टू माइनस हाफ। ठीक है, सो डी की जगह माइनस हाफ रखेंगे, सो ए इज इक्वल टू थ्री माइनस फोर डी। ठीक है, सो थ्री माइनस फोर डी क्या है माइनस हाफ। ठीक है, सो थ्री माइनस माइनस प्लस। ठीक है, सो टू वन जा टू टू जा सो टू थ्री प्लस टू फाइव। ठीक है, सो ए इज इक्वल टू फाइव। ठीक है, सो यहाँ आपको ए इज इक्वल टू वन मिला, तो जब अगर d हाफ होगा, जब d हाफ होगा तो a क्या होगा वन, और जब d माइनस हाफ होगा तो a क्या होगा फाइव, मतलब आपको दो Sn मिलेंगे। ठीक है, एक Sn में आपको देखो 16 टर्म्स, क्वेश्चन में क्लियर तो लिखा ही है कि सिक्स फर्स्ट 16 टर्म्स हैं, मतलब n 16 लेना है वो फिक्स है, n 16 लेना है वो फिक्स है। और आपको आपके पास देखो दो ए डी हैं, एक डी हाफ एक ए वन, दूसरा डी माइनस हाफ दूसरा ए फाइव। ठीक है, सो इसके लिए भी एस एन निकालेंगे और इसके लिए भी। ठीक है, सो एस एन निकाल लेते हैं अब हम।
देखें आप फर्स्ट 16 टर्म्स का फाइंड करेंगे हम, ठीक है. सो फर्स्ट 16 टर्म्स, सो n इज इक्वल टू 16, ठीक है. सो एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी, ठीक है. सो 16 अपॉन टू, टू ए क्या है 1, प्लस एन है 16 माइनस 1, डी क्या है हाफ, ठीक है. सो 16 टू वन जा टू, एट जा 16, सो 8 टू वन जा टू, प्लस 16 में से 1 गए 15, 15 वन जा 15 अपॉन टू, ठीक है. अब हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई एलसीएम सॉल्व कर लेते हैं. ये एलसीएम जैसा है, सॉल्व कर लो. 8 टू टू जा 4, 4 प्लस 15 अपॉन टू, ठीक है. सो 8 4 प्लस 15 19 अपॉन टू, ठीक है. सो अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे. 2 वन जा 2, 4 जा, ठीक है. सो 4 19, ठीक है. सो 19 को 4 से करेंगे, 4 9 जा 36, 4 वन जा 4, 5 6 7 एस 16, ठीक है. सो एस 16 है 76, ठीक है. अच्छा अब हम क्या करेंगे, दूसरा फिर से n इज इक्वल टू 16, सो एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी, ठीक है. सो n क्या है s 16, 16 अपॉन टू, टू फाइव प्लस 16 माइनस वन, डी क्या है माइनस हाफ, ठीक है. सो टू वन जा टू, एट जा, सो 8 टू फाइव जा 10, प्लस 16 में से 1 गए 15 माइनस हाफ, 8 10 प्लस माइनस माइनस 15 वन जा 15 अपॉन टू, ठीक है. अब क्या करेंगे, 2 10 जा 20, सो 20 माइनस 15 अपॉन टू, सो 8 20 में से 15 गए 5 अपॉन टू, ठीक है. सो 8 मल्टीप्लाई 5 अपॉन टू, सो 2 वन जा 2, 4 जा, सो 4 5 जा 20, सो सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स इज 20. तो इस तरह से हमारे दो एस 16 आए, मतलब अलग अलग डी और एन, डी और ए के लिए, ठीक है. सो दिस वॉज योर क्वेश्चन टू ऑफ ऑप्शनल, ठीक है. सो विद दिस आई एम एंडिंग माई दिस लेक्चर, आई एम एंडिंग माई दिस चैप्टर. प्लीज प्रैक्टिस इट वेल एंड व्हाट्सएप मी द एंटायर थिंग. वंस अगेन आई एम गिविंग यू एन होमवर्क, क्लास वर्क तो आप पूरा का पूरा करेंगे. आई वुड, मैं फिर से वही, मैं घड़ी घड़ी आई रिपीट दैट कि होमवर्क करें तो खुद से करें, वन टाइम क्लास वर्क, वन टाइम होमवर्क, होमवर्क डू बाय योर सेल्फ, ठीक है. आप खुद से करें, टेक्स्ट बुक ओपन करें एंड ट्राई टू डू योर टू बाय योर सेल्फ, ठीक है. व्हाट्सएप मी द क्लास वर्क एंड होमवर्क. थैंक यू.